हेलो दोस्तों, मैं रीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड। ये हमारे वी लुकअप की सीरीज में हम सातवीं वीडियो पे बात कर रहे हैं, जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप के अंदर हम मैच इंडेक्स का क्या कंसेप्ट है। देखिए, वी लुकअप में प्रॉब्लम थी जो कि लास्ट क्लास में बताया था, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसकी पूरी सीक्वेंस वीडियोस विद प्रैक्टिस फाइल चाहते हैं तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मेरा मोबाइल ऐप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आईओएस एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो सीक्वेंस विद डेटा फाइल मिलेगा, उसको ट्राई कर सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो हमने वी लुकअप में पढ़ा कि वी लुकअप का डेटा लुकअप तभी होता है जब आपका डेटा राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट मोस्ट हो, मतलब लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट पे नजर आए। मतलब कि जो आईडी वाला कॉलम है, जो यूनिक आईडी वाला कॉलम है, जिसके बिहाफ पे आप वी लुकअप लगा रहे हो, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो ये लुकअप नहीं करेगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईडी है वो डी कॉलन में है, जो कि आप यहां दिख पा रहे हो। अब मैं वी लुकअप की मदद से आईडी टोटल कस्टमर जून वगैरह तो लुकअप कर सकता हूं, बट सोल्ड क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू, डेट जैसे चीजों को लुकअप नहीं कर सकता। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमारे, हालांकि इसके लिए हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल हम बात करते हैं मैच और इंडेक्स। हमने लास्ट टाइम बताया कि हमारे पास एक मैच फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 120 या 120 को ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, मैच का। मैच फॉर्मूला इस आईडी नंबर 120 को जो डेटा है, डेटा के अंदर जो डी से लेके एफ तक का डेटा है, डी वन से लेके डी 23 तक का डेटा है, इसमें जाके ढूंढेगा कि ये है या नहीं। अगर ये मिलता है वहां पे, अगर मिलता है तो यहाँ पे हम जीरो करके एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आएगा 22। 22 क्या आया? तो 22 नंबर रो। अब ये 22 ए जो दिख रहा है ये नहीं दे रहा है, ये काउंट करता है यहाँ से। अगर मान लीजिए इसके ऊपर एक ब्लैंक सेल होता तो भी वो काउंट करता है। अब इंडेक्स क्या करता है? तो इक्वल इंडेक्स फॉर्मूला हमने लगाया। इंडेक्स फॉर्मूला कतई ये काम नहीं करता है कि डेटा लुकअप करके देता है। इंडेक्स फॉर्मूला कहता है कि आप एक एरिया को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद बताइए कि इस एरिया में से कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम चाहिए। तो हमने बोला कि 22वां नंबर रो एंड मुझे टोटल सेल्स वैल्यू चाहिए, जो कि है 1 2 3 4 5, 5 नंबर कॉलम। अगर मान लीजिए इस पे हम मान लीजिए 2 नंबर दे दें तो डेट दे देगा, 2 नंबर कॉलम तो डेट। तो इंडेक्स फॉर्मूला क्या किया, एक बार और समझाता हूं। इक्वल हमने फॉर्मूला लगाया इंडेक्स का, किसका लगाया, इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। क्या कर, एक मिनट सॉरी, इंडेक्स और हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ये पूरा डेटा को सेलेक्ट किया। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें देना होता है रो एंड कॉलम, हमें देना होता है कि कितना नंबर रो और कितना नंबर कॉलम। तो मैंने मान लीजिए मुझे 120 का नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए 5 105 का। तो यहां से काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर रो और मुझे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए सेल्स वैल्यू, तो 2 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम। तो ये आपका रिजल्ट। अब इसमें क्या है कि अगर मैं कॉलम नंबर चेंज करूं, रो नंबर चेंज करूं, तो अलग अलग आईडी का डेटा आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ जो मैच का फॉर्मूला लगा रखे हैं, इस मैच फॉर्मूले को हम इस इंडेक्स के साथ कंबाइन कर दें तो बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम करेगा कि मुझे 105 का चाहिए तो 105 का आया, 108 का चाहिए तो 108 का नंबर आया।
क्योंकि 108 का रो नंबर अलग करके देगा कि इसका रो नंबर क्या है, और इस रो नंबर पे इंडेक्स को मिलेगा इंडेक्स डेटा का। अब आपको इसको एक साथ करना है या फिर यहीं पर लगा सकते हैं कि इंडेक्स, इंडेक्स में हमने सेलेक्ट किया ना डेटा, क्या सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट किया डेटा, और फिर इसमें रो नंबर। अब रो नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैच, हम देंगे मैच फॉर्मूला, और मैच में हम इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे आईडी को, और अपने डेटा में चले जाएंगे और इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे कॉमा जीरो। अब कॉलम नंबर आप चाहो तो मैनुअल 4, 5, 6, 7 डाल सकते हो, अदरवाइज जैसे वी लुकअप के साथ हमने कॉलम के लिए मैच का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से यहां भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पे मैच हमने टोटल सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट किया और डेटा में गए और हेडिंग को सिलेक्ट कर एंड कॉमा जीरो एंटर प्रेस की। तो मैच और इंडेक्स मिलकर वी लुकअप जैसा एक फॉर्मूला बनाया जो कि डेटा को लुकअप करता है, और इसमें कोई इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका आईडी किस सीक्वेंस में है। अब इसको आगे ड्रैग करने के लिए हमको फ्रीज करना होगा, क्या करना होगा फ्रीज करना होगा। के फोर का हमने 4 फ्रीज किया, इसको फ्रीज किया एफ फोर से, और हमने एल के फोर का 4 नहीं के फ्रीज करना है ना, के 10 से एल ना हो, हमने के फ्रीज किया, सिर्फ 4 नहीं किया था कि नीचे ड्रैग करो तो 4, 5 होना चाहिए, और यहाँ पे L3 का 3 फ्रीज किया ताकि ये 3 जो है 4 ना हो, बट L को फ्रीज नहीं किया ताकि आगे देखो तो LMN हो क्योंकि अलग अलग हेडिंग्स हैं, और इसको हमने फ्रीज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको लेके आगे की तरफ ड्रैग, आप देख सकते हैं अब नीचे अगर मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ नीचे, तो यहाँ पे 109, 120, 115 जैसे नंबर्स होगा, हमें जस्ट इसको क्या करना है नीचे का ड्रैग करना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है एक्स लुकअप का, जो कि हम आगे के वीडियोज में आपके साथ कवर करेंगे। बाकी आपको ये चाहिए, इसकी डिटेल चाहिए तो मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट अभी जाइए फाइल की प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कीजिए और इसके ऊपर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। और आप लोग जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस फाइल, उनको आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल में ऐप से मिलेगा, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें। हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।